हैं। चलो मैं इंट्रो नहीं कर रहा अभी, अब से इंट्रो बंद। सॉरी गाइस, इतने टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एग्ज़ाम चल रहे थे, क्या करूँ, पढ़ाई करनी थी। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके बाद दोस्तों ने बुलाया खेल खेल के। चलो उसको छोड़ो। अगर देखो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि शेडर डाउनलोड करने मेरे को, कि कुछ कुछ लोग ऐसे शेडर खुलता तक नहीं है, शेडर का बटन रहता है वो खुलता तक नहीं है। तो आज मैं सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले तो आपको जाना है, यहाँ लिखना है बेस्ट शेडर्स फॉर माइनक्राफ्ट डाउनलोड। तो इसमें आप ये माइनक्राफ्ट शेडर .com है ना, वो भी सीधा सीधा सर्च कर सकते हो, कुछ नहीं है। तो देखो, पर्सनली मेरे को BSL वाला शेडर अच्छा लगा था, तो मैं उस पर जा रहा हूँ। और उससे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। तो हाँ, इधर मिलेगा। हाँ, तो यहाँ इस पर क्लिक करने का, यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, बन दूंगा। अरे कोई नहीं, अच्छा यहाँ है डाउनलोड BSL का, ये है। तो मैं डाउनलोड करता हूँ, तो ये देखो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है कि मेरा डाउनलोड हो गया, वो BSL का। तो अभी आती है नो गाइज, वो मेरा लैपटॉप का ख़राब हो गया था कुछ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये टी लॉन्चर दिख रहा है ना, ये क्रैक्ट वर्जन के लिए। तो टी लॉन्चर पे राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ ओपन फाइल लोकेशन में जाना है, फिर यहाँ आपको यहाँ शेडर पैक्स दिख रहा हो, शेडर पैक्स, तो उस पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक। उस पर आपका जो भी शेडर है, ये वाला सब मैंने ये डाउनलोड किया BSL वाला, यहाँ दिख रहा है आपको BSL वाला शेडर, इसको उठाया मैंने और ये डाल दिया इधर। तो इसके बाद आपको कंट्रोल S दबाना है। तो ये हो गया, तो अभी आप ये फाइल बंद कर सकते हैं। और अभी मैं वापस लैपटॉप पे जाता हूँ। दवाई जा गया हूँ फिर से। तो आपको कोई भी अपना एक वर्ल्ड खोल लेना है, जो करना है करना है वो वर्ल्ड, जो भी करते हो। फिर इधर जाना ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाके आपको यहाँ वीडियो सेटिंग्स दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर आपको यहाँ शेडर्स दिख रहा होगा, ये शेडर्स कुछ लोगों का है ना खुलता नहीं है। तो अभी इसमें से यानी मैंने वापस डाउनलोड कर लिया था, तो अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, ये लगा नहीं तो भाई आपके लिए मैं लगा लेता हूँ। तो कुछ लोगों का ना प्रॉब्लम रहता है कि वो लगता नहीं है वो शेडर ना आता नहीं है, यानी क्या बताऊँ, वो शेडर का जो बटन रहता है ना वो ब्लैक रहता है, चलता नहीं है, उस पर क्लिक करते ना तो खुलता नहीं है वो। तो उसकी जगह, उसके लिए आपको क्या करने का है कि ना आपका माइनक्राफ्ट 1.8.9 होएगा ना, तो उस पर जाके आप लोगों को, अभी यहाँ मेरा डन हो जाओ, डन बैक टू गेम। देखो गाइस कितना सही शेडर है ना, झाड़ की पत्तियां भी हिल रही है, देखो गुल भी ऑलमोस्ट ठीक ही दिख रहे हैं, क्या बोलूं, शैडो भी आ गई है मेरी। हाँ, अभी के लिए तो मैंने यही वाला लिया है। आप लोग को जो लेना, जो शेडर का पैक लेना है वो ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही वाला लोगे तो यही चलेगा, ऐसा नहीं है, जो लेना है ना वो लो। और पॉइंट पे आपको 1.8.9 पे जाके आप लोगों को, हाँ क्या करना है कि आपको 1.8.9 खुलेगा, हाँ उसके बाद आपको यही करना है जो मैंने किया, यहाँ जाने का, एस्केप दबा के ऑप्शंस में वीडियो सेटिंग, फिर 1.8.9 पे आपको शेडर्स का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे खोल देना है, एक बार खोल दोगे उसके बाद बस डन पे क्लिक कर देना है, बैक टू गेम। हाँ, फिर आप बंद करके आपका करोगे वापस, यानी 1.0 जो भी, जिस पे भी आपने किया है वो करोगे, तो आपका वो फिर से, यानी फिर वो शेडर वाला दिखेगा आपको, वरना नहीं दिखता है ना ऐसे। सो यस गाइस, यही थी वीडियो। भाई वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, लाइक करो वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।